कि जो बात जन सुराज में हमने बिहार के गांव-गांव की जनता को मैंने आश्वस्त किया है, ये उसका आज पहला उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो मैंने ये बात बताई है, इसी बिहार की मिट्टी से, इसी बिहार के गांव-गांव को मत के ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जो हर व्यक्ति प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल हो, प्रशांत किशोर से ज्यादा बेहतर हो। इसी मिट्टी से, उसी करत गांव से, तरारी से, आप सब यहाँ पत्रकार बंधु हैं। तरारी की पहचान क्या है? बालू माफिया, भूमि माफिया, वो जातीय हिंसा का केंद्र रहा है। उसी तरारी के गांव से, करत से निकले हुए हमारे इसके सिंह साहब भी हैं, वो भी बिहार के लाल हैं, और ये जनसुराज की पहचान है और ये बिहार की पहचान बने, ये उसका अभियान। और हमने पिछले प्रेस वार्ता में आपको कहा था कि जब भी कोई निर्णय हम लोग लें तो आप लोग उसका पूरा स्क्रूटनी कीजिए कि जो प्रशांत किशोर ने, जनसुराज के साथियों ने कहा, उस पर वो कायम है कि नहीं है। और मैं आप सबको चुनौती भी दे रहा कि आप जनरल एस के सिंह से बड़ा और बढ़िया बिहार का बेटा, तरारी का बेटा ढूंढ कर दिखाइए, हम बिल्कुल मानने के लिए आप अपनी गलती मान लेंगे। इस उम्र में भोजपुर की पहचान क्या है? लोग कहते हैं बाबू कुंवर सिंह 81 साल के उम्र में अंग्रेजों से लड़े थे। इस उम्र में लेफ्टिनेंट जनरल जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिहार से सिर्फ 2 ही लोग आज तक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। एक एस के सिन्हा साहब थे और एक दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिंह साहब। इस रारन अचीवमेंट नहीं है बिहार के बच्चे के लिए। गांव से निकला हुआ लड़का वहां पहुंच गया और ये अचीवमेंट बड़ी गौरव की बात तो है, लेकिन उससे गौरव की बात यह है कि इस उम्र में सारा सुख सुविधा छोड़कर, जैसा जनरल साहब ने बताया, इनकी पत्नी नहीं है, 2 बच्चे यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, दिल्ली में अच्छी जिंदगी चल रही है, जीवन भर के लिए सारी सुविधा मिली हुई है, वो सब छोड़कर वापस करड़ तरारी में आकर चुनाव लड़ना, ये दिखाता है कि बिहार के लोगों में अपनी मिट्टी को सुधारने का जज्बा अभी दबा है, खत्म नहीं हुआ। इसलिए जन सुराज का जो ये अभियान है, हर गांव से, हर क्षेत्र से ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को, बिहार के लाल को ढूंढ कर निकालेंगे और बिहार की जनता के सामने ये अवसर होगा कि अपने सबसे काबिल बच्चों को चुनकर सदन में पहुंचाए, जो कि आपकी जिंदगी को सुधार सके। इसलिए तहे दिल से एक बार फिर से एस के सिंह साहब का धन्यवाद कर रहे हैं। कोई वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो MLA का चुनाव लड़ने आ जाए, आज तक बिहार के इतिहास में हुआ नहीं। MLA का चुनाव लड़ने नहीं आ रहे, ये बिहार को सुधारने के इस अभियान का हिस्सा बनने आए। ये हमारे लिए, जन सुराज परिवार के लिए, जन सुराज की सोच से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए गौरव की बात है।